अब कापालिक या सन्यासी, अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, कापालिक का अर्थ होता है तांत्रिक, सन्यासी तो सन्यासी, अगर कापालिक आ रहा है तो उसके साथ में आप शंकर भगवान के साथ में क्या करोगे, तांत्रिक लोगों को ही लगाओगे। तो जहां जहां शंकर और कापालिक एक साथ लिखा है उन ऑप्शंस को आप सही मान सकते हो, या फिर विष्णु के साथ अगर सन्यासी लिखा है तो आप उस ऑप्शन को सही मान सकते हो। क्या ऐसा लिखा है विष्णु के सामने कापालिक लिखा हो? बिल्कुल सर, एक ऑप्शन में लिखा है, एक में इंद्र के सामने लिखा है, तो ये दोनों तो हट जाएंगे। अब नेक्स्ट आपको देखना है कि तब एक कापालिक या सन्यासी कुछ भी हो सकता है, सामने आकर खड़ा हुआ, भगवान ने कहा मांग, क्या मांगता है? देखो शंकर के सामने सन्यासी भी हो सकता है, लेकिन हमें यह पता है कि तांत्रिक का अर्थ अगर लगता है तो शंकर भगवान की पूजा से ही लगता है, तो तांत्रिक वाला जो अघोरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शंकर भगवान के साथ आएगा, लेकिन विष्णु के साथ में वो कॉन्सेप्ट आप कापालिक नहीं लगा सकते, सन्यासी लगा सकते हैं, शंकर के साथ में आप सन्यासी लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट, भगवान ने कहा मांग, क्या मांगता है? उसने कहा हे भगवान, आजकल के राजा बड़े कंगाल हैं, उनसे अब हमें क्या नहीं मिलता, बताइए, सम्मान नहीं मिलता या दान नहीं मिलता? सर कंगाल है तो बात सम्मान की नहीं हो रही होगी, किसकी हो रही होगी? दान की हो रही होगी, और ये एक दान आपको यहां मिलता है, एक यहां मिलता है, तो एक ये तीसरे नंबर का ऑप्शन आपके सामने से हट जाएगा। अब बताइए इसमें आप क्या लगाएंगे, शंकर के साथ में कापालिक लगा हुआ है, विष्णु के साथ में सन्यासी लगा हुआ है, अब इस कंडीशन में क्या होगा? फंस गए। अब इस कंडीशन में देखो मैंने 70 के क्वेश्चन डाल रखे, यहां पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको ये क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हमें नहीं पता कि IBPS किस चीज को कंसीडर करके इसमें से आंसर ले रहा है, हमने अपनी जितनी नॉलेज थी वो हमने सब लगा दी। अब यहां पे ऐसा ऑप्शन रह गया कि शंकर कापालिक दोनों सही हो सकते हैं, विष्णु सन्यासी दोनों सही हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप स्किप कर दीजिए, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है, ठीक है? अब वो तो इसके ऊपर है ना कि IBPS किस चीज को सही मान रहा है, उसने ये कॉन्सेप्ट कहां से पकड़ा, किस गद्यांश से उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया, तो फिर आप उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो यहां पे वैसे जो उठाया गया वो लिखाया गया है शंकर और कापालिक। अब जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया होगा मैं आपको बताता हूं, इतना शायद हाई लेवल तक आपने नहीं सोच पाया होगा। एक चीज मुझे बताइए, जो तांत्रिक होता है वो चीजों को मांगता है, सन्यासी जो होता है क्या वो दान मांगता है? सन्यासी का क्या अर्थ है? जो विरक्ति की भावना रखता है, जिसके अंदर सारी चीजों की जो वैराग्य उत्पन्न हो गया है वो सन्यासी है, और जो वैराग्य उत्पन्न हो गया क्या वो दान लेगा? नहीं लेगा। तो जब वो दान नहीं लेगा इसलिए उसने ये चौथे नंबर के ऑप्शन को नहीं माना है। ऑप्शन नंबर किसको माना है? एक को माना है। समझ आया कितना हाई लेवल पर जाके इस चीज को आपने सोच पाया? तो अगर इस तरह की चीज अगर आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल रही है, इन दो में अगर आपको चुनना पड़ रहा है, तो फिर आप मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनोगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे कि पहले शब्द की वजह से क्या दूसरा आ सकता है, दूसरे की वजह से क्या तीसरा बन रहा है या पहला बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जरा चलते हैं और यहां पे देखते हैं पोप का सिक्का डैश के लोगों में, तो पोप का जो सिक्का था वो किन लोगों के बीच में था? सर पोप का जो सिक्का था वो हमें एकदम क्लियर पता है कि यूरोप या अमेरिका में ऐसा रहा था, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तीनों ही जगह ब्रह्म लिखा है, राजा ईश्वर राजा, तो और पोप को लोग किसका प्रतिनिधि मानते थे? किसका मानते थे, राजा का प्रतिनिधि या ईश्वर का? सिंपल सा है, जैसे अपने यहाँ पुजारियों को क्या कहते हैं कि भगवान के प्रतिनिधि है, उसी तरीके से पोप कैसे थे? ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते थे। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कवि को देखिए डैश कविता के रसपान से मत होकर, वह डैश के भी परे आध्यात्मिक नभो मंडल के डैश में विचरण करता है। सर नभो मंडल आ गया तो क्या आना चाहिए, बादल आना चाहिए, बादल कहाँ दिख रहा है? ये हट जाएगा, और एक बादल में तो नहीं कर रहा होगा, क्या हो जाएगा? बादलों हो जाएगा। अब ये दो ऑप्शन आपके सामने रह गए, दोनों में अपनी लगा हुआ है, ये हो गया। अब अंतःकरण और कल्पना, तो कवि को देखिए अपनी कविता के रसपान से मत होकर, वह डैश के भी परे आध्यात्मिक नभो मंडल के विचरण बादलों में विचरण करता है। सर एक तो चीज आ रही है आध्यात्मिक, अब आध्यात्मिक के हिसाब से जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? आध्यात्मिक के हिसाब से अंतःकरण ज्यादा उचित शब्द नहीं लगता क्या आपको? बिल्कुल सर, हमें अंतःकरण से ज्यादा क्या उचित लगता है, कल्पना लगेगा या अंतःकरण लगेगा? सर कल्पना आध्यात्मिक के हिसाब से नहीं लग रहा है, इसलिए ये हमारा कल्पना हट जाएगा और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो सही मान लिया जाएगा।
नेक्स्ट, केवल पूर्ण नारी ही देश को पवित्रता और त्याग का पाठ पढ़ा सकती है। किसको? सभी को या देवता को? ये तो सर ऑप्शन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा, कुछ अर्थ भी नहीं बन रहा, तो ये तो हट जाएंगे। व्यक्ति को या मनुष्य को हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए, वही उसे डैश और देवत्व का, मनुष्यत्व या ईश्वरत्व। अगर देवों की बात हुई है तो ईश्वर थोड़ी आएंगे उनके साथ, क्या आएंगे? मनुष्यत्व आएगा। तो आपका ये सभी वाला हट गया, एक नंबर ये ऑप्शन बच गया आपका तीसरा। नेक्स्ट देखिए, ऐसा मालूम होता है कि डैश व्रत का नियम, अगर आपको ये पता है कि स्त्री व्रत को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है मोनोगैमी, तो उस हिसाब से आप ये ऑप्शन हटा लेते अपने तीन। और कुछ आप कैसे और एलिमिनेट कर लेते अगर आपको मोनोगैमी नहीं पता था? यहाँ पे अगर आप इस लगाते तो आपके दिमाग में प्रश्न बनता है किस, इस स्त्री व्रत का नियम, तो किस कौन से, वो एक्सप्लेन तो होना चाहिए ना, ऐसे तो दे नहीं देगा कि ऊपर किसी कुछ एक्सप्लेन किया हो और नीचे आपको अधा अधूरा सा सेंटेंस दे दे, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए आपने इसे यहाँ से हट जाओगे। ऐसा मालूम होता है कि कन्यादान, कन्यादान को स्त्री व्रत नहीं कह सकते ना, तो ये हट जाएगा। फिर स्त्री व्रत जब लगाई है तो स्त्री व्रत यहाँ क्यों लिखोगे? तो इस तरीके से भी आप अपने ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आध्यात्मिक या सामाजिक, और किन का जीवन सुखमय हो गया? सर कन्यादान की बात हो रही है, और कन्यादान के हिसाब से सन्यासी तो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? गृहस्थ आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेरे लिए स्वतंत्रता डैश की भावना का चरम डैश है। मेरे लिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता किसकी भावना का हो सकता है? सहिष्णुता की भावना का, परोपकार की भावना का, या प्रत्येक की भावना का? मेरे लिए स्वतंत्रता, तीनों ही शब्द आ सकते हैं सर अपने हिसाब से, मुझे तो कोई गलत नहीं लग रहा अभी, कि मेरे लिए स्वतंत्रता डैश की भावना का चरम क्या है? सुख नहीं होना चाहिए आपके लिए, स्वतंत्रता क्या हो सकता है? लक्ष्य होना चाहिए, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है। चरम लक्ष्य, चरम भाव का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। फिर और परोपकार की भावना, सर परोपकार की भावना यहाँ क्या आएगा? परोपकार आना चाहिए, कहाँ दिख रहा है? ये सर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर फोर में, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपना आंसर लगा दोगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ संदेह नहीं है, या इसमें कुछ संदेह नहीं कि डैश आत्मिक भाव से तो वही अर्थ रखता है जिस अर्थ में सावित्री, सीता, दमयंती और शकुंतला ने अपने आप को डैश किया था, और इन नमूनों में कन्यादान का आदर्श पूर्ण रीति से क्या है? इसमें कुछ संदेह नहीं है कि, इसमें कुछ संदेह नहीं है कि दान, कन्यादान या महादान, सब तीनों ही लगा सकते हैं। अब उसका आत्मिक भाव से तो वही अर्थ रखता है कि जिस अर्थ में सावित्री, सीता, दमयंती, शकुंतला, सर इनके हिसाब से क्या आना चाहिए? अगर आप ऐसा पढ़ते हो सर, कुछ कन्यादान जैसा आना चाहिए, क्योंकि तीनों ही महिलाओं के नाम दिए गए हैं। फिर कन्यादान का आत्मिक अर्थ क्या है कि इन्होंने अपने आप को क्या किया था, क्या किया होगा, समर्पित या दान? स्पष्ट, अगर कन्यादान की बात चल रही है तो दान ही किया होगा, समर्पित हटा दो। और इन नमूनों में, यानी कि ये जो आपके सामने जो सैंपल है, उसमें कन्यादान का आदर्श पूर्ण रूप, पूर्ण रीति से क्या है? आपके जो सामने में क्या दिख ही रहा होगा ना, कन्या भाव, कन्यादान का जो भाव है, अद्भुत है या प्रत्यक्ष? कन्यादान का जो भाव है वो एकदम से साफ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फाइव हमारा कट जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, अपना डैश का चिंतन करते हुए ये मेरे मन के कमरे की डैश पर, कमरे के किस पर चित्र लटक रहा है? सर खिड़कियों पे नहीं लटकेंगे चित्र? खिड़कियों पे तो नहीं लटकते, दीवारों पर, ठीक है। फिर स्वरूप या अर्थ, जो चित्र लटक जाते हैं उनका वर्णन करना लेखक के लिए तो पवित्रता का क्या वर्णन कर रहे हो, तो पवित्रता का क्या जतला रहे होगे, बताओ? जतलाने का अर्थ क्या हो गया? दिखाना। अब दिखाना क्या दिखा सकते हो, अर्थ दिखा सकते हो या स्वरूप? सर स्पष्ट है, हम स्वरूप दिखा सकते हैं, स्वरूप हम जतला सकते हैं, बता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। इस तरीके से सोचो चीजों को। मैं कोशिश ही नहीं कर रहा कि मुझे तीनों ऑप्शंस देखने, तीनों शब्द पढ़ने पड़े, मैं एलिमिनेट कर रहा हूं,
यही चीज आप करके देखिए। नेक्स्ट, न काला न पीला न नीला न पीला न डैश न यहाँ न पूर्वी न पश्चिमी, तो सर ये तो यहाँ तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या धन भी नहीं आएगा क्योंकि बीच में अचानक से कुछ अलग अटपटा शब्द लग जाएगा। सफ़ेद हो सकता है, ठीक है, रंग का नाम है।